रिया चक्रवर्ती से सुशांत केस में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ 8 से 9 घंटे की रोजाना हो रही है, लेकिन इस पूछताछ में भी रिया बहुत ही बड़ा घपला कर रही है। जी हाँ, रिया सीबीआई की पूछताछ में भी फोन का इस्तेमाल कर रही है और वह फोन का इस्तेमाल किसी को बार बार कॉल करने के लिए करती है। इस बात का हमारे पास प्रूफ भी है, आप इन स्क्रीनशॉट्स को देखिए। ये स्क्रीनशॉट 29 तारीख के हैं, जिस टाइम सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही थी। आप इन स्क्रीनशॉट्स में देखिए, इन स्क्रीनशॉट्स में रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप कॉल की गई है और जब उन्हें व्हाट्सएप कॉल की गई तो इसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती किसी और कॉल पर बिजी है, जिसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई इंक्वायरी में भी किसी से लगातार बातचीत कर रही है और ये बात भी व्हाट्सएप कॉल पे हो रही है, ना कि नॉर्मल कॉल पे, जिससे ये पता ना चल सके कि रिया चक्रवर्ती किससे बात कर रही थी और उस शख्स का नाम सामने ना आ सके, क्योंकि अगर उस शख्स का नाम सामने आ गया तो सभी का नाम सामने आने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि सीबीआई छूटते ही उसी शख्स को पकड़ेगी जिससे रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी के बीच में कोई भी किसी से भी बात नहीं कर सकता है। तो फिर रिया चक्रवर्ती इस शख्स से क्यों बात कर रही है, वो भी एक मिनट दो मिनट नहीं बल्कि 7 से 8 मिनट लगातार रिया चक्रवर्ती इससे बात कर रही है। पर यह सवाल ये खड़ा होता है कि रिया चक्रवर्ती अपना फोन कैसे इस्तेमाल कर रही है, रिया चक्रवर्ती को फोन इस्तेमाल करने की परमिशन किसने दी, क्या सीबीआई को पता है कि रिया चक्रवर्ती लगातार किसी से व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रही है, क्या सीबीआई ही रिया चक्रवर्ती को परमिशन देती है कि वो किसी से बात कर ले। ये सभी सवाल सीबीआई इंक्वायरी को एक शक के घेरे में डाल रहे हैं कि क्या सीबीआई भी अब उन बड़े बड़े नेताओं और उन बड़े बड़े अभिनेताओं के हाथों बिक चुकी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।